किस नाम से सेव द फोल्डर? डाविंसी। क्या यार असाइनमेंट का क्या हो गया है? नहीं यार इन प्रोसेस। तेरा? मेरा भी इन प्रोसेस। सबमिशन कब है? सीओई सबमिशन आई गेस 13 प्लस। तेरा हुआ? एक्सक्यूज मी? Yeah. Your printout? How much? 17. Well researched, yaar. Sorry to interrupt, but ये Da Vinci वाला collage है? Yes. उसमें एक image है. That's wrong. It is Michelangelo. No. Are you serious? It is. You should double check, I think. हमने काफी रिसर्च करी थी कुछ भी अभिषेक सर एक मिनट प्लीज आना जरा क्या हुआ ये कह रहे हैं कि ये इमेज रॉन्ग है डा विंची का कोलाज है एंड दे आर सेइंग कि माइकलांजेलो का एक इमेज एक्सक्यूज मी आप क्या कह रहे हो ये विजुअल गलत है दो बार बता चुकी हूँ प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है क्या वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दा विंसी एंड ही इज फेमस फॉर हिज रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज व्हाट ही डन इन दिस पर्टिकुलर पेंटिंग यू फ्रॉम द फोर्थ सेमेस्टर आई गेस आई सी यू डन अ गुड जॉब योर रिसर्चिंग ऑन दा विंसी और शुड आई से लाइक फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ विकिपीडिया बट लेट मी टेल यू अ लिटिल थिंग ऑल्दो दा विंसी इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक पेंटिंग्स बट नॉट ऑल रियलिस्टिक पेंटिंग्स आर दा विंसी Well, you have pretty much idea about this topic, but this doesn't prove me wrong. This painting here, it's Michelangelo's. He was appointed to paint the entire Gospels of Bible on the ceiling of St. Sistine Chapel. And this visual here is just a small segment of the whole artwork. You know, tum jaise logo ki problem kya hai? Fourth semester ke end tak Google karna seekh jaate ho. Fifth semester senior se pooch pooch ke nikal dete ho. Aur sixth semester mein portfolio bana lete ho. Aur fir किसी एक्सपोर्ट हाउस में सड़ते हो एनीवेज मेरे पास डिग्री होगा नॉलेज होगा और कॉलेज का ब्रांड नेम होगा नॉलेज जो नॉलेज हर साल तुम 1,00,000 रुपए देकर देते हो वो तो मैं 100 रुपए के इंटरनेट पैक से भी ले सकती हूँ और रही ब्रांड नेम की बात अगर तुम जैसे लोग ऐसे ही रिसर्च करते रहे तो वो भी बहुत जल्दी चला जाएगा सो स्क्रू योर ओवर प्राइस एजुकेशन एंड यार चेंज